नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप बेबी के मूवमेंट से पता लगा पाएंगे कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, और किस महीने से ये बेबी का मूवमेंट या किक आपको पता लगने लगेगा। फर्स्ट या सेकेंड प्रेगनेंसी में कंडीशंस कैसी होती हैं और ये मूवमेंट जो है इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, कब ये मूवमेंट होती है, कैसी ये मूवमेंट आपको फील होती हैं और कैसे इस पर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि बेबी का जो किक है वो आपको और मूवमेंट, ये दोनों दो चीज़ें होती हैं। बेबी के मूवमेंट जो है सेकंड प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा देर से पता लगता है, यानी कि इतना ज़्यादा माइंड अवेयर नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको 4.5 महीने के बाद फील होना स्टार्ट होगा मूवमेंट। और बेबी किक जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 5th या 6th मंथ में आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ बेबी किक कर रहा है अंदर से। और जो सेकेंड प्रेगनेंसी होती है उसमें 3.5 महीने के बाद मूवमेंट आपको पता लगने लग जाता है। और दूसरा बात है कि किक वगैरह जो है वो आपको सेम यही है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 5वें या 6ठे महीने में जाके पता लगता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बेबी के किक से पता लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर बहुत पुराने ज़माने से ये धारणा चली आ रही है कि बेबी के किक को जानकर पता लगाया जा सकता है कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। तो किस कंडीशन में ये चीज़ें जान सकते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि बेबी का जो किक है अगर लेफ्ट साइड आपको ज़्यादा फील होता है तो कहा जाता है कि लड़का होने वाला है, और अगर राइट साइड फील होता है तो ये बोला जाता है कि लड़की होने वाली है। तो चलिए मैं ये भी बता देती हूँ कि बेबी का किक जो है वो आपको कैसे समझना है कि हाँ बेबी किक कर रहा है। तो सबसे पहले बात ये है कि जब आप रेस्ट के टाइम पे रहते हैं यानी काम कर रहे हैं उस समय नहीं, आप जब रेस्ट के मोड में हैं, अगर आप लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, उस समय आप फील करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे कि बेबी किक कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उस समय आपको ज़्यादा फील लेफ्ट साइड होता है तो हो सकता है आपको लड़का होगा, और अगर राइट साइड है तो फिर लड़की होगी। लेकिन दोस्तों ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों में ये सही हो सकती हैं लेकिन हर कंडीशन में ये सही नहीं होता है हर बार, क्योंकि अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो फिर दोस्तों मेरे कंडीशन में ऐसा था कि सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे फील बहुत जल्दी मूवमेंट का पता लग गया, यानी 3.5 महीने के बाद मुझे फील हो रहा था कि मेरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है बेबी की। और जब मैं लेटी रहती थी तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट और लेफ्ट साइड ही किक वगैरह मुझे ज़्यादा फील होता था, लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं ये सबको फील नहीं कर पाई थी इतना ज़्यादा डिटेल में, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए ये प्रेडिक्शन जो है वो 100% सही नहीं होता है, लेकिन बहुत कंडीशन में सही हो चुका है, इसलिए शायद बहुत पुराने जमाने से ये सारी धारणाएं चली हुई आ रही हैं, लेकिन इसको 100% नहीं मानना चाहिए। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि ये मूवमेंट या किक जो है क्यों होती हैं आपके पेट के अंदर। इसमें एक बहुत ही मेन चीज़ ये समझने वाली चीज़ है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके हार्मोनल परिवर्तन होते रहते हैं हर मंथ में, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहली बात ये है कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें बेबी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लगता है और ये ख़तरनाक है। अगर आप इस चीज़ को समझती हैं तो आप अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। जैसे कि अगर आप तनाव ले रहे हैं तब आपके बेबी का मूवमेंट ज़्यादा होता है, अगर आप फास्ट वगैरह व्रत करके रखी हुई हैं तो बेबी का मूवमेंट ज़्यादा होता है, अगर आप बहुत देर तक खड़े होकर काम करते हैं तो फिर बेबी का मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है। यानी इन सब कंडीशंस में बेबी जो है वो अनकंफर्ट फील करने लगता है अंदर, इस वजह से वो बचने के लिए छटपटाहट में मूवमेंट स्टार्ट करता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जितना हो सके अपने दिनचर्या को नॉर्मल बनाए रखिए, टहलिए, जितना हो सके टेंशन कम लेना है, आराम आराम से काम करना है आपको, बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि जैसा आप करते हैं उसका शिशु पे डायरेक्ट असर पड़ता है और उसके ग्रोथ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो मदर को इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, नमस्कार।